हाँ तो बच्चों देखो, इस लेक्चर में ये चैप्टर हमारे सेकंड जो गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन है ना, जो हमारा ये वाला पार्ट था चैप्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड वाले का, उसके अंदर हम कुछ टॉपिक हमने छोड़ दिए थे, वो अब हम पढ़ लेते हैं। उसमें एक टॉपिक था फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, ठीक है ना, कि एक कोई चार्ज कंडक्टर है तो उसकी सरफेस पे फोर्स कितना लगेगा। सपोज अपन ने एक ये स्फेरिकल सरफेस कंसिडर की और इस पूरी सरफेस के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, ठीक है। अब हमने देखा कि देखो ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर इस सरफेस के अंदर से ए बी एक छोटा सा टुकड़ा मैंने काट लिया, तो देखिए ये जो पूरा ए सी बी ये पूरी सरफेस पे जो बाकी सरफेस पे जो पॉजिटिव फैला है, और हमें पता है ये पूरी पे पॉजिटिव ही था, तो ए बी अगर हमने कोई पार्ट इसका हल्का सा अलग ले लिया, तो ये पूरा पॉजिटिव इस पास वाले पॉजिटिव पे रिपल्शन का फोर्स लगा रहा होगा। ऐसे किसी भी जगह, देखो यहाँ पे भी अगर मैं थोड़ा सा सरफेस इसका अलग मान लूँ इन दो चार्जेस को, तो ये बाकी सारे पॉजिटिव इन दो चार्जेस पे फोर्स लगा रहे होंगे। तो हमने देखा क्योंकि ये जो चार्ज है वो सेम ही नेचर का है, ठीक है ना, सेम नेचर का चार्ज फैला हुआ इस, तो हर पास वाला चार्ज दूसरे वाले चार्ज पे सेम नेचर का होने की वजह से रिपल्शन का फोर्स लगा रहा होगा। इसकी वजह से ये जो हमारा स्फेयर होगा या ये जो भी सरफेस होगी वो प्रेशर फील करेगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वो फोर्स कितना होगा उस सरफेस के ऊपर, है ना, तो वो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो देखो अपन ने माना कि सबसे पहले कोई पी पॉइंट है ना, जो कि स्फेयर के या सरफेस के बाहर है, तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा। तो देखो ये जो ए और बी वाला पार्ट है, इसका पॉजिटिव इस ये पी वाला पॉजिटिव जो है सरफेस के बाहर है, प्लस प्लस पे रिपल्शन लगाएगा बाहर की तरफ, इधर की तरफ। ए सी बी देखो ये भी पॉजिटिव है और पी पॉइंट बाहर है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगाएगा बाहर की तरफ, प्लस प्लस पे रिपल्शन लगाएगा बाहर की तरफ। दोनों ही फोर्स एक डायरेक्शन में होंगे, तो पी पॉइंट पे ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, ई वन प्लस ई टू, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर सरफेस की वजह से, ठीक है ना, किसी भी कंडक्टर सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे हम जानते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अपन ने लिख दिया, ठीक है ना, पी पॉइंट पे अपन ने लिख दिया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्योंकि पी पे सेम डायरेक्शन में है, तो ई वन प्लस ई टू अपन ने लिख दिया, ई की जगह ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दी, ये ऑलरेडी हम वैल्यू निकाल चुके हैं किसी भी कंडक्टर की वजह से, चार्ज कंडक्टर की वजह से। अब देखिए क्यू पॉइंट लेते हैं, अब क्यू पॉइंट पे हमने अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव अज्यूम किया, तो ये ए बी वाला जो पॉजिटिव है ये इस पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, और ये जो बाकी जो पॉजिटिव है ये इस पे रिपल्शन का ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। क्यू पे जो फोर्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दोनों फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों फोर्सेस को माइनस करना पड़ेगा। तो अपन ने देखा देखो क्यू पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ई वन माइनस ई टू हमने लिखा। अब देखो ये जो क्यू पॉइंट है हमारा, क्यू पॉइंट कहाँ है, सरफेस के अंदर, और किसी भी कंडक्टर सरफेस के अंदर, किसी भी कंडक्टर सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो ई क्यू पे अपन ने फील्ड क्या लिख दिया, जीरो, ठीक है। तो ई वन माइनस ई टू इज इक्वल टू जीरो, तो इसको इधर भेज देंगे माइनस ई टू को, तो हो जाएगा ई वन इज इक्वल टू ई टू, ठीक है। अब हमने ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी, यहाँ ई वन इज इक्वल टू ई टू लिख दें, है अगर हम ई वन की जगह भी ई टू लिख दें, तो क्या हो जाएगा, टू ई टू इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टू ई टू इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई टू की वैल्यू निकाले तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हमारी वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड टू की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखते हैं, इफ चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट ए बी इज डी क्यू देन फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। तो इस स्मॉल सरफेस पे जो थोड़ा सा चार्ज, इसको हम डी क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो इस सरफेस पे लगने वाला स्मॉल स्मॉल फोर्स कितना हो जाएगा, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो देखो हमने वही लिखा है क्यू ई, चार्ज स्मॉल था इसलिए डी क्यू, और जो ई टू हमें ना पूरे की वजह से एक ई टू, मतलब ये जो पूरा चार्ज इसकी वजह से एक छोटे वाले पे अपन निकाल रहे, तो अपन ने लिखा ई टू, देखो ये रहा ई टू इंटू डी क्यू, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पुट किया, ई टू की वैल्यू हमने निकाली सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हमने पुट कर दी, ठीक है। साथ में हमने देखा यहाँ पे डी क्यू, डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, तो डी क्यू हो गया सिग्मा इंटू डी एस, तो डी क्यू की जगह अपने लिख दिया सिग्मा इंटू डी एस, तो ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो गया डी एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो ई पी पे तो हमारा फील्ड था जो अपन ने निकाला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई पी की वजह से, तो ये ही हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ई पी इज इक्वल टू ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर हम सिग्मा की वैल्यू निकाले तो ई एप्सिलॉन नॉट, ई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और अगर सिग्मा की वैल्यू अपन ई एप्सिलॉन नॉट लिख दें, तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूला में पुट करने पे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर
ये तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बना। अगर हमें पर यूनिट सरफेस पे निकालना हो, देखो फोर्स पर यूनिट एरिया उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो अगर मैं इसको ds एरिया से डिवाइड करूंगा, ds से डिवाइड करूंगा, तो ds से ds कट जाएगा, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, ये हमारा डेरिवेशन बन जाएगा। देखो अगर हमने पर यूनिट सरफेस पे निकाला, देखो यहाँ पे हमें देख पा रहे हैं p इज इक्वल टू प्रेशर बोल दिया, पर यूनिट एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, तो कितना हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमें एनर्जी निकालनी है पर यूनिट वॉल्यूम पे, देखो जैसे कि ये सरफेस थी इस पर पूरे पे चार्ज फैला हुआ है, ठीक है, अब इस पूरी सरफेस पे अगर चार्ज फैला हुआ है और अगर मैं इस सरफेस को थोड़ा कंप्रेस करूँगा, ठीक है ना, सरफेस को अगर मैं थोड़ा कंप्रेस करूँगा तो देखो मुझे रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये सरफेस एक खिंचाव, देखो अपन ने भी क्या देखा था लास्ट वाले में कि पूरे पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, तो हर पास वाला पॉजिटिव दूसरे वाले पॉजिटिव को रिपल्शन फोर्स लगा रहा होगा, तो ये थोड़ा खींच रहा होगा गोला, ठीक है ना, ये स्फीयर थोड़ा खींच रहा होगा। अगर मैं इस पे थोड़ा प्रेशर लगाऊंगा अंदर की तरफ, तो मुझे रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, और जो मैं वो वर्क करूंगा वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो वही हमें इसमें पढ़ना है कि r रेडियस का था, r माइनस डी आर मतलब मैंने इसको कंप्रेस किया, तो जो भी इनका रिपल्शन फोर्स लग रहा था उसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था कंडक्टर के, ये सब इसमें दिखाया हुआ है। ठीक है, तो हमने प्रेशर का फॉर्मूला तो भी निकाला था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया। फोर्स ऑन द कंप्लीट सरफेस, अगर कंप्लीट सरफेस पे फोर्स निकालना हो तो फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, प्रेशर का फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो गया प्रेशर इंटू एरिया, स्फीयर है इसलिए एरिया क्या हो गया 4πr², पी की वैल्यू हमने लिखी सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 4πr². ठीक है, अब हमें dr डिस्प्लेसमेंट तक अगर इसको मैंने प्रेस किया तो जो मुझे वर्क करना पड़ा फोर्सेस के अगेंस्ट में रिपल्शन, dw इज इक्वल टू fdr, f की वैल्यू तो मैंने निकाली सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 4πr², ये तो लिख दिया, साथ में dr। अब देखो 4πr² तो क्या था, एरिया, और ये dr क्या है, लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाता है बच्चों, वॉल्यूम, तो इसको अपन dv बोल देंगे, ठीक है ना, वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम बोल देंगे इसको, तो इसको अपन ने बोल दिया dv, तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे को बोल दिया dv, ये dw, ये तो स्मॉल वर्क आ गया, ठीक है ना। अब अगर स्मॉल वर्क आ गया ये हमारा, तो इसका इंटीग्रेशन जो भी हमें गिवन लिमिट है उसके अंदर देखिए पूरा वर्क डन हम निकाल सकते हैं इसका। अगर हमें एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है, कहने का मतलब एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, तो इस वर्क को वॉल्यूम से, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम से डिवाइड करना है, तो डीवी से डीवी कट जाएगा, डीवी से डीवी तो क्या बचेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही हमने पिछले वाले के अंदर भी निकाला था। ठीक है, तो हमने देखा सिंपल से हैं दोनों, और इसी तरीके से अगर हम एक और टॉपिक देख लेते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सॉफ्ट बबल, तो देखो इस वाले फॉर्मूला की डिटेल जो है ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमारे 11th क्लास में हम ऑलरेडी इसकी पढ़ चुके हैं, फोर्स ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज सॉफ्ट बबल, तो सॉफ्ट बबल के अंदर जो इक्विलिब्रियम के लिए जो हम प्रेशर देखते हैं वो होता है 40/r, अभी हमने प्रेशर का फॉर्मूला निकाला है सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इंटरनल प्रेशर आउटसाइड प्रेशर को जो बैलेंस करेगा हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला इसमें देख लो, एक्सेस प्रेशर आउटसाइड वाले को अगर अपन जीरो माने तो ये जो फॉर्मूला है 40/r इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है सॉफ्ट बबल के अंदर, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के अंदर हमें न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, डिटेल इस फॉर्मूला की ऑलरेडी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, 11th क्लास से रिलेटेड, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है 40/r इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट तो हम जानते ही हैं ये तो कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें पता है, आर डिस्टेंस, रेडियस हमें दे रखी होगी, टी टेंशन फोर्स है, ठीक है ना, तो ये अगर हमें दे रखा हो तो इसमें जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला इसमें स्पेशली याद रखना है, फिर भी अगर आपको इसमें देखना हो तो 11th की बुक से भी आप देख सकते हैं, और नहीं तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा।